इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए 18 फरवरी को खिलाड़ियों की नीलामी हुई है। 50 लाख के बेस प्राइस के साथ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे अनसोल्ड रहे, जिन्होंने हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल के पहले मैच में नॉट आउट 99 रन की पारी खेली थी। कॉनवे के अनसोल्ड होने को लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज साइमन डूल ने कहा है कि आईपीएल में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे दर्जे के खिलाड़ियों के सामने उनके देश के क्रिकेटरों को हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे कॉनवे की 59 गेंदों पर खेली गई 99 रन की धमाकेदार पारी पर न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में सोमवार को पहले T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 53 रन से जीत दर्ज की। लेकिन डूल का मानना है कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों का अच्छा प्रदर्शन भी मायने नहीं रखता। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने कॉनवे की तारीफ में लिखा था, ड्वेन कॉनवे केवल 4 दिन की देरी हुई लेकिन क्या शानदार पारी थी। इस पर डूल ने ट्वीट करके लिखा, पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि यह मायने रखता है। आईपीएल में सालों से दूसरे दर्जे के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के सामने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। लगता है कि आईपीएल के बाहर केवल बिग बैश टूर्नामेंट ही ऐसा है जिसके प्रदर्शन पर गौर किया जाता है। कॉनवे का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था, लेकिन किसी भी टीम ने उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि वह अपनी नेशनल टीम और अन्य T20 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। डूल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, इस बात पर आओ, मैंने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया, इसलिए ट्रोलिंग बंद करो। आईपीएल जब से शुरू हुआ है तब से 94 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 886 करोड़ रुपए में चुना गया, जबकि न्यूजीलैंड के 31 खिलाड़ी ही चुने गए और उन पर 212 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा, दोनों देशों के 6 फर्स्ट क्लास टीमें और दोनों के घरेलू T20 टूर्नामेंट हैं या बिग बैश के समय और उसे देखने से जुड़ा है। कॉनवे को भले ही आईपीएल में किसी टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन उनके देश के काइल जेमिनसन को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 15 करोड़ रुपए और एडम मिलन को मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए में अपने टीम में शामिल किया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।